8 घंटे हैं जिम में तो कितने पीस लग जाते हैं? इस तरह 1500 पीस लग जाते हैं। 1500 पीस? अच्छा, सुकून ना लिया जान मार के? 8 घंटे नहीं, 8 घंटे 1500 12 घंटे। 8 घंटे कितना लग जाते हैं? 8 घंटे हो जाएगा 800-900 पीस। 800-900 मतलब 1 घंटे 100 पीस। सही। तो मतलब ऑपरेटर कितनी एक दिहाड़ी में? 12-15 घंटे। 8 घंटे जान मार के या आराम ना लीजी? फिर जोर तो लग रहा है ना, मैं देख रहा हूँ। मतलब अगर इन्हें लगेगी तो फिर स्पीड काम हो जाएगी, जान मार के 1000 पीस निकलेगा। सैसरी अगर लगेगी खींच के जान मार के 1000 पीस निकलेगा। तकड़ा कारीगर है वो मारेगा। तो जिहड़ा एक नॉर्मल होंदा है वो नॉर्मल 600 मतलब 1000 रुपए की दिहाड़ी बन जाएगी। सही। तो जिहड़ा मेरे वर्गा है वो मेरे वर्गा बना ले कोई 30-40 पीस ला ले। अच्छा जी, मां बेटा गया था ना तो मैंने आया है एडा गया तो ना समझना नहीं को 250 की गल करता समझ आ जाते, लेकिन 30-40 पीस समझ नहीं आ रही। नहीं तू बंदा ही नहीं है मशीन देते। मशीन तो नहीं भी बंदा तो अगर रेगुलर बह गया तो फिर ट्राई करना भी आ जाए। जवान वेख 300 पीस अच्छा देखने के बड़ा आसान लग रहा है, मगर इतना जान बड़ी लगी है। चावल सिलाई करने लगे हैं जोर बड़ा है जोर बड़ा। ये बेचे सब तो ज़्यादा जोर किस हिस्से का लगता है? जोर लाएंगे बाजुओं का लगता है, पैरों का लगता है, बाजुओं का लगता है। अच्छा, मतलब ये सारा कारोमदार कंधों का बाजुओं का है जोर का काम है। वो बाकी हो गया गारमेंट काम होता काम है। दौन तो थक जाती होगी, दौन इंसान इंसान की दौन तो थक जाती है। मेरे हम पट्ठे क्यों कमजोर है? इसी वजह से कमजोर हो गए। ब्रेडरी कर कर बे बे के स्पीड तो तू अच्छी मार रहे हैं, जमें तेरे पुट्ठे कमजोर ने तो बस फिर नहीं। स्पीड तो तेरे हाथ ही है ना, हाथ दे तेरे स्पीड है कि स्पीड होनी इंसान दे हाथ भी अपनी है। फुर्ती नाल पीस मोड़ना, फुर्ती नाल कोना मोड़ना। मशीन की स्पीड नहीं है कि मशीन भी तेरा साथ देगी, मगर स्पीड इंसान की अपनी होंगी। मैन चीज तेरी थकाओ जो बंदा थक जाए फिर स्पीड वैसे ही बंदे की ना बोगी डेगी बोगी डेगी आती है। सही, मतलब उस तो बाद फिर बंदे का एंड हो जाता है। एंड आस्ते आस्ते एंड हो जाता। अच्छा, अगर बंदा रेगुलर ऑपरेटर रवे किसी भी जगह पे किसी भी अदारे ते रेगुलर इन्हें स्पीड के नाल ही माल सिलाई करना हो कितना अरसा कर सकता है? मैं तेन वही गल कर रहा ना, देख कारीगर जितना पुराना हो जाएगा ना उतनी स्पीड घटती जाएगी। सही, वो स्पीड घटती जाएगी। और मैंने इतने बिठा दे नवा मुंडा कोई बिठा दे 2-3 साल होने तो मेरे को आगे निकल जाएगा। सही, मैं ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 घंटे मार करूँगा, 4 घंटे मार करूँगा, 5 घंटे मेरे नाल लग जाएंगे। 5 घंटे बाद किन्ने तक मेरे डाउन होना शुरू होना शुरू हो जाना। सही, कितना अरसा हो गया थे? 15 साल दे बंदे लाहौर से हो गए। टोटल कितना अरसा हो गया थे ऑपरेटरी कर देना? इतने मैं आके साइड इतने लग गया, ये जो साइड है ना मथे इतने लाने शुरू किए। मैंने कराची लॉन्ग एम लाने लॉन्ग एम लेंदा से तो इतने आके जड़ा मैं तेन आना एंड एम लाने शुरू की लाहौर के पंजाब के खासकर
ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਿਲਾਈ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੈਂ ਫੋਰ ਸਾਈਡ ਤੋਂ। ਅੱਛਾ ਲੌਂਗ ਐਮ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੌਂਗ ਐਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਛਾ ਵਨ ਪੀਸ ਕੱਟ ਕੇ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਫੋਰ ਸਾਈਡ ਸਿਲਾਈ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਸਿੱਖਿਆ ਉਸ ਤੋਂ। ਅੱਛਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਹੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਸੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਮਤਲਬ ਇਸ ਲੈਣ 'ਚ ਆਇਆ? 94-95 'ਚ। ਸਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ 94-95 ਸ਼ੁਰੂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਕੀ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ? ਆ ਕੇ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਆਪਰੇਟਰ ਦਾ ਕਰੋਪਿੰਗ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਆਪਰੇਟਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜੋ ਕੇ? ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਡਿੱਗ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਉਹ ਬਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਰੋਪਿੰਗ ਹੈ। ਹਾਂ ਸਰ, ਕਰੋਪਿੰਗ ਕਰਦਾ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦਾ ਜਾਂਦਾ ਮਸ਼ੀਨ 'ਤੇ ਬਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ। ਸਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦੀ ਉਹਨੂੰ, ਜੇ ਵਨ ਪੀਸ ਦੇ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਅਤੇ ਕਿਤਨੇ ਅਰਸੇ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਵੱਲ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਸੀ? 3-4 ਮਹੀਨੇ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਜਾ ਕੇ ਹਲਕਾ ਫੁਲਕਾ ਕਾਰੀਗਰ ਬਣੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ, ਫੋਰ ਸਾਈਡ ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ, ਸਾਲ ਸਾਲ ਬੰਦਾ ਕਰੋਪਿੰਗ ਕਰਦੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਕਾਰੀਗਰ ਉਹਨਾਂ 100 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ।